हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्ट्राजेनिका से रिलेटेड। एस्ट्राजेनिका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो कि वैक्सीन बना रही है, ओके सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला की कंपनी, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर बात करें, एक रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो एक रेंज में फंसा हुआ है और काफ़ी दिन से फंसा हुआ है। एंड पीपल आर रियली वरीड और काफ़ी लोग चिंतित है कि हाँ, क्या हो रहा है इस शेयर के साथ, क्या हमें बेच देना चाहिए या हमें खरीदना चाहिए, क्या उसका एग्जैक्टली मीन क्या है। एक अगर बात करें तो ये शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मोस्टली सारे शेयर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी या तो गिरती जा रही है फिर बढ़ती जा रही है, मोस्ट ऑफ द कंपनी की हाँ भागती जा रही है। बट अगर बताना चाहूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी सारी कंपनीज एक साइड बेस जोन में चल रही है। ओके, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, ओके, एक जंप के लिए। बट एस्ट्राजेनिका में एक मुझे जो लगता है एक बहुत बड़ा मतलब कहा जाए तो एक ब्लास्ट होने वाला है ये शेयर, एक बहुत बड़ा जंप देने वाला है। सो इसी चीज़ का एक क्वेश्चन का आंसर उन लोगों को देना चाहता हूँ, एज वेल एज क्या पैरामीटर है वो सब चीज़, किस बेस पे मैं ये बातें कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पर बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात करें, कल की डेट में यहाँ पर वीडियोज़ बनाई गई थी आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो जो जिसमें मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपको एक खरीदना है शेयर, एक बेचना नहीं। आज के दिन में देखिए 3-4% की जंप ही लगाई थी, स्टार्टिंग में तो 5% तक भागा था। इसके अलावा टा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, ओके, इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं एस्ट्राजेनिका की, देखिए एस्ट्राजेनिका जो शेयर है, एक तो वैक्सीन से रिलेटेड कोविशील्ड जो इसकी वैक्सीन है, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी जा रही है और लग रही है, वो ऑब्वियसली बात है। बट हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फास्ट मतलब तेज़ी से भागे शेयर, क्योंकि जिस तरीके और क्योंकि मार्केट देखिए बहुत आगे आगे की सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसे भागना चाहिए था। बट मेरे पोर्टफोलियो में ये पिछले 6 महीने से है, और 6 महीने से मैं अगर बात करूँ तो ये शेयर भागता है गिरता है, भागता है गिरता है। तो एक जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इसे लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी रख सकते हैं, दो तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी थी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि ये शेयर देखिए यहाँ पर आ गया था, मैंने यहाँ पर सोल्ड आउट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये शेयर एक रेंज में चल रहा है, बार बार ये ऊपर जाता है उसके बाद नीचे जाता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से था, तो मैंने बेच दिया था और एक बार फिर नीचे आ गया है। तो आज की डेट में भी मैंने ये खरीदा है, आज की डेट में क्यों खरीदा है उसके पीछे का रीज़न बताऊँगा, एज वेल एज एक यहाँ पर लेवल था, तो दो बार मैंने बाय ऑन डिप्स करके ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और इसी तरीके से बाय ऑन डिप्स करके अगर आप रखेंगे, एक एवरेज प्राइस निकल के आएगा, उस टाइम आपको एक फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो क्यों ये शेयर अभी तक नहीं भाग रहा था और क्यों ये आगे भाग सकता है, तो और कितना भाग सकता है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये शेयर अगर बात करें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत बड़ी बड़ी गिरावट इस शेयर ने ऑलरेडी देख रखी है। तो इस चीज़ को देख के ही आपको डील करना है इस शेयर के साथ, ओके, आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। कभी अगर आप अगर ऊपर लेवल पर फंस गए, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी लोग की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर दिया होगा अगर यहाँ 5970 रुपीज़ पर, और 5970 रुपीज़ पर आने के बाद उसके बाद ये अभी तक आया नहीं है। बट अभी मुझे लगता है कि ये 6000 रुपीज़ तक जाने को तैयार हो गया है ये शेयर, और बहुत जल्दी ये जाने को तैयार हो जाएगा अगर हम टाइम देंगे तो। क्यों, उसके पीछे का रीज़न अभी बताऊंगा। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए ये शेयर काफ़ी गिरावट के, देखिए 70% की यहाँ पर गिरावट हुई है, यहाँ पर गिरावट हुई है, यहाँ पर गिरावट हुई है, इस बेसिस पे गिरावट हुई है, यहाँ पर गिरावट हुई है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रख के फिर आपको प्ले करना है इस शेयर के साथ। ये नहीं कि आप वैक्सीन चल रही है इसकी इस वजह से आप खरीद रहे हैं, नहीं, आपको एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इन्वेस्टर के पर्पज से, आज इन्वेस्टर का माइंड लगा के आपको शेयर खरीदना है, कि न्यूज़ बेस पे नहीं कि हाँ ये वैक्सीन बना रहा है तो इसलिए ये शेयर आपको रॉकेट की तरह भागता हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर हम बात करते हैं एस्ट्राजेनिका, देखिए इंडिया में ही नहीं है, यहाँ पर और भी आपको पता ही है ये फॉरन में भी एक कंपनी लिस्ट है, ओके, ऑब्वियसली बात करें तो ये फॉरन की कंपनी है, MNC कंपनी नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर भी शेयर चार्ट पैटर्न इसी तरीके का वॉलेटाइल है, एज वेल एज अगर बात करें 5 डेज की, तो देखिए 5 डेज में शेयर भागता हुआ
नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा, वन मंथ से भागता हुआ नजर आ रहा है। बट इंडिया में अगर ये शेयर की देखते हैं तो ये शेयर गिरता हुआ एक महीने से नजर आ रहा है, उससे सिक्स मंथ से तो गिरता है, फिर उसके बाद भागता है, फिर गिरता है। तो इस चीज़ को आपको अपने आपके पास जो भी शेयर है ना उसकी एक चाल होती है, तो आपको उस चाल का देखना होता है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर, देखिए 62% की यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है लगभग 5000 में, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। एज वेल एज बात करें 52 वीक लो यहाँ पर 2595 था, ओके 20th ऑफ मे लास्ट ईयर अगर बात करें 4970 रुपये तक, ये 8 सितंबर 2020 तक गया। उसके बाद से यहाँ पर अगर बात करें तो 3 और 3 6 मतलब 8-9 महीने से ये शेयर इसी प्राइस रेंज पे आपको डील करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर 75% प्रमोटर्स के पास है, 25% पब्लिक के पास है। डिविडेंड कंपनी देती आई है 1 रुपये 2 रुपये, कुछ खास डिविडेंड नहीं देती, बट स्टिल यहाँ पर बात करें कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। देखिए अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर जंप लगा सकता है, दो रीज़न है। पहला रीज़न रिजल्ट, 25th of May को इसके रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंड मार्च, तो यहाँ पर एक जंप आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा। तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज से करना है, ओके स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से करना है, या लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना है, वो एक अपना व्यू बना के तभी इसमें एंट्री लीजिए हमेशा इस शेयर में। मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग ही करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि एक साइडवेज जोन है, बट लॉन्ग टर्म के पर्पज से ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में देना है। देखिए यहाँ पर अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉरी यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है, नेट की प्रॉब्लम आई थिंक। ओके फार्मास्यूटिकल आपको पता ही है इनका बिजनेस क्या है, ओके यहाँ पर वैक्सीन से रिलेटेड वैक्सीन मैन्युफैक्चर में आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्ट्राजेनिका का काम नाम है। एज वेल एज अगर बात करें इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एज वेल एज वैक्सीन में बनाने में। एज वेल बात करें मार्केट कैप इनका बढ़ता हुआ नजर आया 9466 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। ROC काफ़ी बेहतरीन 33% की, और बात करें यहाँ पर डेट की बात करें 3% का डेट है, ना कि बराबर डेट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके फेवर में है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप इस शेयर की तरफ कभी भी जा सकते हैं, ओके। एज वेल एज अगर यहाँ पर बात करते हैं सेल्स की, सेल्स यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस बार की सेल्स तो आपको और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है इंडिया में ही नहीं, इंडिया में तो लग ही रहे ओके, और इंडिया में तो लगेंगे ही, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ये फिगर है ना, एक साथ ही बहुत बड़ा जंप देखा जा सकता है इस फिगर में, तो इसके लिए रेडी रहना। और जब एक बार यहाँ पर जंप नजर आएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा जंप इस बार दिखाई दे सकता है, जो कि मेरे को मेरा मानना है। बाकी देखते हैं इनके रिजल्ट 25 तारीख को है तो वहाँ पर अब एक आइडिया हमें लग जाएगा। यहाँ पर देखिए पिछले 2 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, बट कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट आ रहा है तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर ये फिगर चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर ये अभी तक का सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट पूरे अगर बात करें यहाँ पर देख लीजिए पूरे 10, 11, 12 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। एज वेल एज यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें कंपनी का 400 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें 12 करोड़ की बोरिंग है, ना के बराबर, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर अगर देखते हैं इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शायद डेट फ्री कंपनी नजर आ रही है। अभी देखेंगे जब इसके रिजल्ट आएंगे और ये सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कुछ नहीं कर रखा, और अभी एक कंपनी थी उसमें से पूरा यहाँ पर एग्जिट ले लिया है, वो शेयर काफ़ी भागता हुआ भी नजर आया था, पिनिशिया बायो ऐसा कुछ नाम था आई थिंक। एज वेल एज अगर बात करें ट्रेड रिसीवेबल और कैश भी अच्छा खासा कंपनी के पास है, और जो भी कैश आता है इनके पास देखिए यहाँ पर बुक में नज़र आता है। एज वेल एज ROC काफ़ी बेहतरीन है 75%, देखिए जो रूल है ना सेबी का उससे नीचे तो कंपनी जा ही नहीं रही, 75 तो 75। FIIs की बात करें, FIIs ने यहाँ पर अपने होल्डिंग बढ़ा लिया, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। DIIs ने थोड़ी सी बेची थी, तो जो बेची थी वो FIIs ने यहाँ पर खरीद लिया, बाकी यहाँ पर पब्लिक की तरफ से यहाँ पर खरीदी गई है। और पब्लिक में भी देखें यहाँ पर तेजस बालचंद्रा एज वेल एज मीनाक्षी बालचंद्रा इनकी 1.84, 2.63, और यहाँ पर तेजस त्रिवेदी यहाँ पर 1.85 यहाँ पर होल्डिंग यहाँ परसेंटेज की होल्डिंग यहाँ पर इस कंपनी में रखते। तो पब्लिक के पास अगर बात करें तो लगभग 15% के आसपास की होल्डिंग हमें नजर आती है। अब बात करें एस्ट्राजेनिका कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी है, यहाँ पर
देख सकते हैं डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ भी आती है एज वेल एज गुड न्यूज़ भी आती है। तो यहाँ पर देखते हैं गुड न्यूज़ नज़र आई फॉलो बाय द पी फाइजर इज सेफ एंड इफेक्टिव। यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर क्लोटिंग एज वेल एज ब्लीडिंग केसेस सीज आफ्टर जैब मसल्स ये इससे म्यूनिस्क्यूल से लेटनी यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई शायद नज़र आ रही है। ओके यहाँ पर कुछ वैक्सीन यहाँ पर कुछ कंपनी यहाँ पर ये मलावी बर्न्स ओके 20,000 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डज डोज दैट एक्सपायर्ड। तो आई डोंट नो पीपल वाई पीपल आर लाइक बर्निंग ऑल दीज वैक्सीन्स, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं लोगों को है। अफ्रीका में तो मोस्टली यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, बट कोई नहीं वी कैन कमेंट ऑन दिस। अगर बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, यहाँ पर आ जाते हैं सबसे मेन। तो यहाँ पर देखिए दो चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है ओके, जो कि आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ नज़र आएगा, या फिर आप अगर बात करें तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा साइन है ओके, तो ये शेयर आपको भागता हुआ फ्यूचर में अच्छा खासा जंप देता हुआ नज़र आएगा, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर से इस तरीके से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर जब इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर इसकी जो डेप्थ होती है ना, इधर से सीधे जितना परसेंट यहाँ पर होता है इतना ही ऊपर इसकी नेक लाइन से अगर उठा के हम यहाँ पर रख देना, यहाँ पर अगर रख देते हैं नेक लाइन से, तो इतना ही हमें प्रॉफिट ऊपर की तरफ नज़र आता है। और ये प्रॉफिट कितना है, तो अगर इस प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं तो ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर नज़र आता है, ये जाता हुआ शेयर नज़र आ रहा है कितना, तो ये 6100 के आसपास, अगर 6000 तक भी 6000 तक भी जाता है तो कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ पर आपको गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी यहाँ पर अगर इस पीक से हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 60% का प्रॉफिट साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं, एज वेल एज अगर बात करें लॉन्ग टर्म के अगर एक साल में भी आपको 61% का यहाँ पर गेन मिलता है ना, और जब एक बार नंबर दिखाएगा और नंबर में यहाँ पर जंप दिखाएगा क्योंकि वैक्सीन काफ़ी सेल आउट हुई है, तो यहाँ पर ये नंबर बढ़ेंगे, सब सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर इनके साथ होती हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ आपसे आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप ओके, तो यहाँ पर एक बेस बना लिया है, बार बार यहीं पर ही आके एक रेसिस्टेंस यहीं पर ही बनाया है और यहीं पर ही बार बार यहाँ पर ऊपर जाता है थोड़ा नीचे, तो काफ़ी दिन से इसी लेवल पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर से ही मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे जंप कर देगा, क्योंकि 25th ऑफ दिस मंथ अगर बात करें यहाँ पर इनके रिजल्ट है और अच्छा खासा ये गेन, अगर यहाँ तक भी जंप नहीं करता, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की भी अगर मैं बात करता हूँ और ये यहाँ पर से यहाँ तक भी चला जाता है ओके, यहाँ से लेके इसका जो प्रीवियस हाई इसने लगाया था लगभग 4500 रुपीज़ तक ये शेयर गया था 4578, तो अगर यहाँ पर भी जाता है तो तब भी 21% के रिटर्न आपको मिलते हैं, और 21% के रिटर्न अगर आपको विद इन 1 मंथ भी मिल गए तो काफ़ी बेहतरीन है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो थी, और डरने की ज़रूरत नहीं है जब एक साइडवेज जोन पे चल रहा है, बाकी पॉजिटिव ही है कंपनी और सेल आउट हो ही रही है वैक्सीन, तो एक ना एक दिन इसे ऊपर जाना ही है। इसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ओके, FIIs ने इंक्रीज़ करी है, DIIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, तो ये सब चीज़ के फेवर में जाती है। HNIs इसमें काम करते हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी ये कंपनी को भागना ही है, गिरने यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसके साथ है, 6 महीने से एक ही पीरियड पे एक ही जोन पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एज वेल एज अगर बात करें लॉन्ग टर्म के व्यू से तो उस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स करके ऑलवेज खरीदिए, बट मेरी बाय ऑन सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज पर द नॉलेज कि आप इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये नॉलेजेबल पर्पज से ही वीडियो बनाई गई है। तो AstraZeneca फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात है जो कि वैक्सीन बनाते हैं कोविशील्ड, बाकी इसी चीज़ से रिलेटेड बातें थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए ओके, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक
लाइक भी वीडियो को करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, और हमारे चैनल के साथ सभी दूसरे अलग लोगों को एज वेल एज बात करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को जोड़िए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और शेयर बाजार में नॉलेज लेके आगे फर्दर स्टडी करके और इस तरीके से पैसा कमा सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।